नमस्कार दोस्तों, मैं जी कृष्णा चौहान आपका हक एंड क्रेस ऑफ टेक में स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा विषय है सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री, जो कि हम बहुत ही संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज से पहले एक बी लैंग्वेज भी थी, जिसका सक्सेसर सी लैंग्वेज है। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है, उससे पहले ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बी लैंग्वेज हो। एक BCPL और एक CPL नाम की दो लैंग्वेजेस भी थी। BCPL की फुल फॉर्म है बेसिक कम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बेसिकली BCPL आपकी डेवलप्ड हो चुकी थी 1967 में। मार्टिन सर ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था, और बेसिकली इसका काम था OS को राइट करना और कंपाइलर्स को राइट करना। तो जो हमारी बी लैंग्वेज है, बी लैंग्वेज हमारी BCPL के बाद आई। बी लैंग्वेज को लिखा केन थॉम्पसन सर ने। तो यहाँ पर मैं बी लैंग्वेज के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। जो बी लैंग्वेज है, ये डिज़ाइन की थी केन थॉम्पसन सर ने, और डेवलपमेंट इसका जो हुआ था, जो इसके डेवलपर हैं, वो केन थॉम्पसन सर और डेनिस चार्ट सर। 1969 में इसका इवोल्यूशन हुआ, यानी कि आपको ये फर्स्ट अपीयर हुई बी लैंग्वेज। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी कोड लिखा गया था सी लैंग्वेज के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था, तो बेल लेबोरेटरीज में 1970 में हो चुका था। बी लैंग्वेज के बाद सी लैंग्वेज आई, और डेनिस सर ने ही इसका इवोल्यूशन करा बेल लेबोरेटरीज में। और जो सिस्टम था, वो सिस्टम था DEC PDP-11, और 1972 में हमारे सी लैंग्वेज का इवोल्यूशन हो चुका था। और बेसिकली जैसे नाम बी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज आप देख पा रहे हैं, तो बी लैंग्वेज का सक्सेसर है सी, इस वजह से इस लैंग्वेज का नाम दे दिया गया सी लैंग्वेज। तो स्टार्टिंग में जो हमारी सी लैंग्वेज का यूज़ था, वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को लिखने के लिए ही हुआ था। और आजकल भी लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारी सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, चाहे आपका यूनिक्स लिनक्स हो या फिर आपका विंडोज हो। तो चलिए बात करते हैं अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में। तो सी लैंग्वेज हमारी रोबस्ट पाई जाती है नेचर में, और इसमें काफ़ी सारे हमारे डेटा टाइप और बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं हमारे प्रोग्राम को इफिशियंट बनाने के लिए। तो जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और डेटा टाइप का यूज़ करते हैं हम अकॉर्डिंगली प्रोग्राम में, कि किस टाइप का हमारा डेटा है उसी तरीके के डेटा टाइप का हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा सी प्रोग्राम इफिशियंट और फास्ट बनता है। हमारी सी लैंग्वेज बेसिक से कई गुना तेज है कार्य करने में, और सी काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है। आप इसके प्रोग्राम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर पोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम पोर्टिंग डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, और अगर आप टूल्स का भी चेंज करते हैं तो छोटे से मॉडिफिकेशन से आप इस काम को कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी सी लैंग्वेज अपने आप को एक्सटेंड भी कर सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ सी की लाइब्रेरी के बारे में। सी के लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, कि काफ़ी सारे फंक्शंस को हम एक बंच बनाकर एक लाइब्रेरी में सेट कर देते हैं, और उसको इंपोर्ट कराकर अपना काम करा सकते हैं। यानी कि जो फंक्शंस होंगे, 4-5 तरीके के फंक्शन, आप खुद भी अपने फंक्शंस बना सकते हैं और उसको लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। जब आप अपने उस फंक्शंस को प्रोग्राम में इंपोर्ट करोगे, तो उन फंक्शंस को आप बिना कुछ करे डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करा सकते हो। ऐसा नहीं आपको वो फंक्शन पूरा पूरा बार बार लिखना पड़ रहा हो। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिज़ाइनिंग में यूज़ कर रहे हैं, और एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज़ कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एरिया ऑफ एप्लीकेशंस की, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड राइट करने में, कंप्यूटर गेम्स बनाने में, प्रिंटर के ड्राइवर्स बनाने में, और भी काफ़ी जगह पर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत ही संक्षेप में सी प्रोग्रामिंग हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को थम्स अप दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का डिटेल्ड नोट चाहिए, तो आपको मेरे ब्लॉग hakinkroesoftech.blogspot.in पर मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, धन्यवाद, थैंक यू।